वन का वो जो सर मैजिक स्क्वायर था वो ही नहीं आ रहा है। चलिए मैजिक स्क्वायर बता देते हैं बेटा तुरंत तुरंत था। पहले देखो मैजिक स्क्वायर क्या था बेटा, समझा देते हैं, समझ लीजिएगा। 2.21 का क्वेश्चन था वो, कि मैजिक स्क्वायर तब कहेंगे बेटा किसी भी, क्या किसी को, कोई स्क्वायर है, कोई स्क्वायर बेटा, ये था हमारा स्क्वायर, ऐसे था, थ्री रो थे इसमें, थ्री कॉलम थे बेटा। इसको हम लोग मैजिक स्क्वायर कब कहें, जब इस रो रो सभी रो सभी रो और कॉलम जितने भी रो रो सॉरी सभी रो और सभी कॉलम, ठीक है, कसम जो है, मतलब इस रो कसम, इस रो कसम, इस रो कसम, इस कॉलम कसम, इस कॉलम कसम, इस कॉलम कसम, मतलब क्या होता है, योगफल, हिंदी में योगफल बोलते हैं, मतलब दो ऐड करके मिलता है, इनका सम, इनका सम, इनका सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम, डायगोनल कसम, डायगोनल कसम, डायगोनल में जो जो आएंगे बॉक्सेस उनमें जो जो नंबर्स होंगे उनका सम क्या हो बेटा, सब अगर इक्वल हो, सब क्या हो, इक्वल हो, तब क्या कहेंगे उसको, तब कहेंगे वो स्क्वायर कैसा है, मैजिक स्क्वायर है। वो स्क्वायर कैसा होगा, मैजिक स्क्वायर होगा। अभी बात समझ में आ रही है कृति बेटा? यस सर, आपकी अच्छा वीडियो नहीं आ बेटा, वीडियो नहीं आ रही थी, ये आपकी मोबाइल की प्रॉब्लम है बेटा, देख लीजिए घर पे क्या दिक्कत आ रही है, रही सबको है। वीडियो आती है लेकिन आ गई देख, सर। हाँ तो बेटा वीडियो नहीं आ रही तो वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक बेटा। तो देखोगे आप लोग अगर क्वेश्चन में जो सवाल दिया है उसमें सब में क्या है बेटा, उसमें आप देखोगे मालूम क्या मिलेगा आपको, 4, 3, 7, 15 सब में बेटा, सबका ऐड कितना मालूम, कितना आएगा, आप सबका ऐड करोगे 15/11 सबका आएगा, जैनब को बताए थे, हाँ जैनब याद है, 15/7 आया था ना सब में, हाँ 15/11, ठीक है, सबको क्या सर आएगा, सिर्फ सबका सब जैनब को बताए क्लास में उस दिन वो थी केवल बेटा, थे। हाँ ठीक है। रवि आप तो अभी ज्वाइन किए हो ना, देखो बेटा क्या है ये, ठीक है, जितने भी सम होंगे इसका सम यही आएगा, इसका भी सम यही आएगा, इसका भी सम है बेटा, जब सम इक्वल आ गया तो क्या कहेंगे हम लोग, इट इज अ मैजिक स्क्वायर, इट इज अ मैजिक स्क्वायर, ओके हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नो सर। हो जाएगा ना बेटा, ना हो बताना फिर बताएंगे, ठीक है। रवि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था 2.2 को, सर क्यों बेटा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया रवि, क्यों सब भूल गए, जांच कर लेंगे। बातें करने में नहीं भूलते बेटा, काम करने के लिए भूल जाते हो, आज भूल गया, कर लेंगे आज। सर शांत शांत, 2.2 में क्वेश्चंस पूछिए जिसको जो पूछना हो, 2.2 में लास्ट वाला लास्ट मतलब 8 नंबर, और किसी को कुछ पूछना है, जिसको जो पूछना पूछ सकता है, ठीक है, जिस किसी को भी पूछना हो कुछ 2.2 में पूछ सकता है, बाकी 8 नंबर बताने आ रहे हैं, ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन पूछना पूछ लेना आप लोग, ठीक है, 8 नंबर बताने आ रहे हैं। देखिए बच्चों थोड़ा तेजी से पढ़िएगा कृति इस क्वेश्चन को, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन्ड 5 लीटर ऑफ वाटर। विद्या कंज्यूम 2.5 ऑफ द वाटर, प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर। हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक? सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, ठीक है, कितना फ्रैक्शन बचा, जो प्रताप कितना पिया ड्रिंक, जो ड्रिंक किया वाटर उसका क्या फ्रैक्शन है, ठीक है, वो बताना है। तो पहले क्वेश्चन पहले क्या है, पहला कि विद्या प्रताप कहाँ पे गए, प्रताप वहां गए पिकनिक पे गए, ठीक है बच्चों ध्यान दीजिएगा सब लोग, तो उनकी मम्मी ने क्या किया, उनको वाटर का बॉटल दिया, कितने लीटर का, 5 लीटर का, कितने लीटर का बताइए बच्चों, फाइव सर 5 लीटर लीटर बोली, हाँ बोल क्यों नहीं रहे हम लोग, ठीक है,
विद्या कितना कंज्यूम कर ली, विद्या 2.5 ऑफ द वाटर, ठीक है 2.5, ठीक है उसका फ्रैक्शन क्या है। तो विद्या फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्या लिखोगे विद्या ड्रिंक, पहला क्वेश्चन इसमें का विद्या, विद्या ड्रिंक इक्वल, बच्चों कितना फ्रैक्शन है 2/5, कितने लीटर का 5 लीटर का, ओके समझ आ रहा है ये? यस सर। बोलिए बच्चों ये समझ आ रहा है ना? यस सर। यस सर। अब बताइए सब बोलिए, सब लोग बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अरे आप लोग तो बोल चुके हैं, रवि, आदित्य, सौम्या और कौन है, आप लोग को नहीं सुनाई दे रहा क्या बेटा? आस्था बेटे देखो बच्चों, 5 से 5 कैंसिल होगा कि नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है, न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, अपॉन में है, अपॉन मतलब ये ऊपर है नीचे है, जो डिवाइड में है एक दूसरे से, क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा? यस सर। कितना आया? 2 लीटर आया सर। 2, हाँ 2 लीटर पानी क्या की कंज्यूम की, ड्रिंक की विद्या। आप लोग पी लेते हो इतना पानी दिन भर में? यस सर। हाँ पी लेते हो 2 लीटर? नहीं सर मैं नहीं पीता। कम से कम हम लोग को 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए रोजाना डेली, ठीक है? कितना पीना चाहिए? कम से कम 4 से 5 लीटर पानी नापे रहते हो क्या? 1 लीटर ही पीते हो? हाँ सर। नाप के 1 लीटर पीते हो डेली? हाँ सर। चलो ठीक, वेरी गुड, अब बढ़ाओ उसे धीरे धीरे, कम से कम 4-5 लीटर पिया करो पानी। हाँ आप पीते हैं? हम पी लेते हैं 4-5 लीटर डेली, जो होता है ह्यूमन बॉडी की नीड होती है बच्चों कि 4-5 लीटर पानी इसको डेली मिलना चाहिए, ठीक है? हम लोग क्या रहेंगे, फिट और रहेंगे, फिट पार्ट रहेंगे, ठीक है बच्चों? सेकंड क्वेश्चन क्या है कि सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? अब इसमें है क्या, इतना इतना कौन पी गया? विद्या। विद्या पी गई इतना तो, अच्छा कितना मिला होगा और प्रताप को कितना मिला होगा सर? 3 लीटर। बट हमको क्या पूछा है बेटा, हमको पूछा है फ्रैक्शन, किसका फ्रैक्शन? सर वाटर का। वाटर का जो प्रताप ने पिया उसका, प्रताप ने पिया जिस प्रताप को जितना मिला उसका फ्रैक्शन वाटर का बताना है। तो बच्चों क्या करते मालूम, देखो फ्रैक्शन जब भी के बच्चों निकालना है, जब भी फ्रैक्शन निकालना है बच्चों तो हमेशा क्या करेंगे, हम टोटल अमाउंट को 1 मानेंगे। टोटल अमाउंट को क्या मानेंगे? 1। बताइए अब इसको ये बस सोचिएगा, ये 5 लीटर है, ये 3 लीटर है, नहीं बस टोटल अमाउंट क्या है, टोटल 1 है, कोई भी चीज क्या है अपने आप में 1 है, है कि नहीं बताओ? कंप्लीट है ना कोई चीज, कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट है बच्चों? यस नो? यस सर। कंप्लीट है देन वो 1 है, ठीक है? तो हमेशा क्या निकालेंगे बच्चों, प्रताप प्रताप ड्रिंक ड्रिंक बच्चों 1 माइनस कितना फ्रैक्शन पी लिया है तुमने, 2.5, 2/5 दिख रहा है बच्चों यहाँ पे, कुछ कट तो नहीं हो रहा है ना? यस सर दिख रहा, ठीक है इसको सॉल्व कर बताइए कितना आएगा? सवाल को बताइए कितना आएगा बच्चों, 1 माइनस 2.5?
3/5 आएगा। हाँ वेरी गुड। और किसी का कुछ आया है अलग अलग आएगा किसी का? नो सर। हाँ 3/5 बिटा गया, ठीक है 3/5 आ गया। ओके अब यहाँ लिख सकते हैं 3/5 ऑफ 5 लीटर। बच्चों यहाँ लिखो 3/5 ऑफ 5 लीटर वाटर। 5 लीटर वाटर, 5 लीटर वाटर का कितना पिया उन्होंने पता आपने? 5 लीटर वाटर का 3/5 पार्ट। ओके नोट इट, नोट इट। अब बताइए 2.2 मैंने, और कोई डाउट है तभी चले आगे? नो सर। चलो बच्चों 2.3 के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है 2.3 के लिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आइए 2.3 में आ जाइए। हाँ क्या बोल रही जनाब? नोट हो गया सबका? यस कर दूं? यस सर, यस सर। ओके बेटा आइए 2.3 में। बेटा सब लोग ध्यान लगा कर पढ़िए क्योंकि ये जरूरी समय है। अभी क्या है क्वेश्चन समझा दीजिए। हमेशा देर में आंखें खुलती हैं? नहीं सर चले गए थे। चलो ध्यान दो 7 नंबर में। बेटा 7 नंबर शायद पिछली बार बताए भी थे क्या? हम नहीं बताए थे, 6 बताए थे। चलिए सेवन नंबर में ए है बच्चों। ए है क्या क्वेश्चन? ए है 1/2 ऑफ, पहला क्या है इसमें? इसका 1/2 निकालना है। 3/4, ठीक है। सेकंड किसका निकालना रहेगा? 4 कंप्लीट, सेकंड निकालना रहे। हाँ 4 कंप्लीट 2/9 यही है। यस सर। दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ दिख रहा है ना? यस सर। ठीक तो पहला हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका देखो ए नंबर का पहला हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए पहले के लिए इसका क्या निकालना है? 1/2 ऑफ 2/2 ये, ठीक है। तो आप जहाँ लिखा वहां मल्टीप्लाई लगा देंगे बेटा, जहाँ आप लिखा वहां मल्टीप्लाई लगा दो बस। इसको सॉल्व करो 8 4 2 8 3 11/4। एनी डाउट? नो सर। बस मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। देखो अगर ये ऊपर होता कैंसिल होता, बट क्या है दोनों नीचे है तो कैंसिल नहीं होगा, तो हो जाएगा 11/8। ऐसे सेकंड नंबर डालोगे बेटा उसको कर लोगे, ठीक है। सेकंड नंबर डालोगे यहाँ पे जिसे, ये फर्स्ट के लिए था, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा 1/2 फिर से, क्योंकि पहले के लिए 1/2 निकाले हमने, अब दूसरे वाले के लिए 1/2 निकालेंगे ऑफ 4/2/9। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। हाँ अब पहले वाले निकाल लिया, दूसरे वाले निकाल रहे हैं हम। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 2 जा 4 सॉरी 9 4 जा 36 प्लस 2 38/9 है ना बच्चों? यस सर। अब क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? आपको दिख रहा है कुछ कैंसिल होता हुआ? नो किसी को दिख रहा है कैंसिल होता हुआ? नहीं ना? नो सर। आंख खोल के देखोगे तो दिखेगा, ठीक है। क्या है ये? 38 है, तू से कैंसिल नहीं हो जाएगा? सर हो जाएगा। नो सर, नो सर। 19 टाइम में तो क्या होगा बच्चों? सर इसका हो गया 19/9। समझ में आ गया बच्चों? यस सर।
ओके तो आप लोग कोई प्रॉब्लम? नो सर नो। चलिए थ्री फोर 2.3 में थ्री आ जाएगा। हाँ बेटा टू पॉइंट तो खत्म हो गया। हाँ हमारे ख्याल से खत्म हो गया, आपको क्या लग रहा है? और है सर कहाँ है बेटा कुछ क्वेश्चन आप पूछेंगे कि हम नो सर नहीं तो हम बताएंगे नहीं ना, ना हम एक्सरसाइज बता देते हैं फिर पूछने के लिए बोलते हैं, जो क्वेश्चन आप पूछोगे ठीक वरना हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है तो आपको सॉल्व करना जरूरी है, सॉल्व नहीं कर रहे हो क्वेश्चन नहीं फंसा रहेगा। हाँ सर सॉल्व करके आइए तब आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। ठीक है आइए 2.3 में चलते बच्चों। अब कुछ बच्चे तो यहाँ बस बैठने आते हैं, आदित्य लोग बोल ही नहीं रहे हैं, आस्था बोल नहीं रही है, सौम्या बोल नहीं रही है। क्या लग रहा है पंडित जी हैं कथा सुना रहे हैं? हाँ चलो अच्छा चलो ध्यान दो। अच्छा पहला क्वेश्चन देखो बच्चों को बता दे रहे हैं बाकी आप लोग करोगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड, क्या फाइंड करना है बच्चों? वन अपॉन ऑफ, वैसे ही है जैसे अभी कर रहे थे हम लोग वैसा ही सेम है। ऑफ किसका पहला? वन अपॉन फोर सो यहाँ पे वन है यहाँ पे ए है ठीक है, वन अपॉन फोर बी में है, थ्री अपॉन फाइव सी में है, फोर अपॉन थ्री। देखिए बच्चों ये दिख रहा है आप सब लोग सही लिखा हुआ है? यस सर समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन लिख दिया है तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले का क्या है ए, पहले का ए लिखेंगे तो वन फोर जा रही है क्या ऑफ करे करे रवि ऐसे लिखेंगे बच्चों वन अपॉन फोर किसके लिए? ए के लिए वन अपॉन फोर है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे ऑफ को हटा देंगे, क्या लिख देंगे मल्टीप्लाई बना देंगे। बताइए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ बेटा सर वन अपॉन सिक्सटीन हाँ कैंसिल कुछ नहीं हो रहा ना? नो सर। ओके वेरी गुड वन अपॉन सिक्सटीन हो गया ठीक है। चलो बी वाले के लिए बच्चों फिर लिखेंगे इसी को, पहले इसको लिखो वन अपॉन फोर ऑफ थ्री अपॉन फाइव, फिर नेक्स्ट लाइन में ऑफ गायब मल्टीप्लाई लग गया थ्री अपॉन फाइव कितना हो जाएगा? कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे? नहीं थ्री अपॉन ट्वेंटी। एनी डाउट? क्लियर है सबको? नोट करिए बच्चों यहां तक। एनी डाउट? नो सर। सर सी आप नीचे करवा दीजिए क्या? हाँ हाँ करवा रहे हैं, प्रसाद नोट नोट करिए पहले इतना नोट करिए इतना जगह मिलेगी तो कराएंगे ना, जगह पहले बना ले हम थोड़ा सा। चलो यहाँ करा देते हैं सी वाले, इधर इधर जगह है यहाँ करा देते ठीक है। सी नंबर हो जाएगा क्या बच्चों? सी नंबर हो जाएगा वन अपॉन फोर ऑफ फोर अपॉन थ्री
वन अपॉन फोर मल्टीप्लाई बाई फोर अपॉन थ्री, यहाँ पे उसका कैंसिल हो रहा है? नो सर। जैनब कुछ कैंसिल हो रहा है? नो सर। आप लोग को दिख नहीं रहा है? हाँ, ये फोर फोर कैंसिल नहीं हो रहे हैं सर? हो रहे हैं। हाँ बेटा, कृति क्या बोलिए? सर हो रहा है। तो अभी क्यों नहीं दिखा था पहले? सर आपको करने की बात क्या है? हाँ, आपको आंसर निकालने की बात क्या है? किसमें? ठीक वाले क्या बोल रही हो? आंसर निकालने के बाद फोर अपॉन फोर आया, फिर उसको कटता कि वन अपॉन थ्री। कौन किया? सोल्यूशन देख रहे हो क्या? सोल्यूशन देखने के लिए कौन बोला था? सोल्यूशन नहीं। हाँ, आज जो समझा उसको आप अलग करते हैं। हाँ, कर सकते हैं उसको, मगर जब सामने दिख रहा है बच्चों तो क्यों बड़ा करें हम? ठीक, सामने दिख रहा है तो हम चीजें करेंगे 1/3, ठीक है? चीजें वही कैंसिल कर लोगे तो क्या होगा? क्वेश्चन छोटा रहेगा, अदरवाइज क्या होगा? बड़ा और बन जाएगा। अब बाद में अगर जैसे कोई क्वेश्चन क्या है, जैसे 300 लिखा हुआ है इंटू 1200 1600 अपॉन 400, बच्चों अगर यहाँ समझ में आ जाए कैंसिल हो रहा है तो यही कैंसिल कर लेंगे। पहले मल्टीप्लाई करते होगे, कैंसिल कर लोगे ना, यहाँ पे जीरो जीरो गया, जीरो जीरो गया, जीरो जीरो गया, जीरो जीरो, मल्टीप्लाई करोगे, पहले बड़ा बनाओगे फिर और उसको कैंसिल करोगे? नहीं, जहां हमको दिखे कैंसिल होते हुए हम वहीं पे क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। ओके यस सर, ये बात ठीक है, नोट हो गया, समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करिएगा आप लोग पूरा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्या करेंगे? उसे रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस क्या होता है बच्चों? सर उसको लोएस्ट फॉर्म कर देंगे। हाँ, रिड्यूस मतलब क्या होता है? कम करना, छोटा करना। रवि, 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 रवि बोलिए बेटा। आदित्य? आदित्य ही नहीं है। आस्था बेटे? आस्था आवाज आ रही है? आप लोग बोलते नहीं हो। जैनब आप लोग को आवाज आ रही है? जैनब कृति? यस सर। इन लोग बोलने वाले नहीं होते हैं लग रहा है, हम ही फालतू पे चिल्लाते रहते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन 2/3। हाँ बेटा बोलिए। सर जो हम क्या बोल रहे? रुक जाओ बेटा, नहीं आवाज आई, फिर बोलो। आप सॉल्व कर, फिर से बोलिए, बोल रहे हो? सर हमने
जैनब क्लियर आवाज नहीं आ रही बेटा, एक बार अपना फोन म्यूट पे करो बेटा, फिर अनम्यूट करो उसको, सही हो जाएगा। हाँ बोलो। अब कुछ नहीं, कुछ पूछ नहीं रहे हो? बच्चों देखो क्या है ये मिक्स, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मगर ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको भी क्या बनाएंगे बच्चों, इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे पहले। तो ये बन जाएगा देखो 2/3 मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया, 6 + 2 8/3 हुआ। बताइए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या क्वेश्चन में? नो सर, नहीं हो रहा है पक्का? यस सर। क्या कैंसिल हो रहा है? आठ सर, 8 हो रहा है। 8 किससे हो रहा है, किससे हो रहा है? 2 से 2 से। अच्छा, ये 2 कैंसिल कर पाएगा इसको? ये भी नंबरेटर, ये भी नंबरेटर, दोनों नंबरेटर कैंसिल कर पाएंगे? नहीं होगा बेटा, जब एक डिनोमिनेटर हो एक नंबरेटर हो तभी कैंसिल होगा। ठीक है, एक डिनोमिनेटर हो चाहिए, दोनों अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, एक डिनोमिनेटर या फिर एक नंबरेटर हो, एक डिनोमिनेटर हो तभी होगा। दोनों का नंबरेटर कैंसिल नहीं हो सकता। ओके हाँ चलिए आइए देखिए, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा, ये लिख देंगे हम लोग 16/9। यही क्या बच्चों, यही लोएस्ट फॉर्म है, कैंसिल नहीं हो सकती। यस सर। हाँ कैंसिल नहीं हो सकता, लोएस्ट करेंगे। हाँ चाहो तो मिक्स बना दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इम्प्रॉपर है, मिक्स बन भी जाएगा। ओके, वरना अदरवाइज कोई प्रॉब्लम है नहीं, ऐसे ऐसे भी रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों? यस सर। हाँ मिक्स में कितना आ जाएगा बताइए सर? 1 complete 7/9। वेरी गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन। अभी हो जाएगा कोई दिक्कत, 2 नंबर हो जाएगा? नो सर, हो जाएगा। हाँ, सर सेकंड का 2 नंबर करिए। सेकंड का सेकंड सर? यस सर। ओके बेटा, इसी वाले क्वेश्चन का सेकंड ना, ये वाला नंबर। यस यस सर। सर हो गया। क्या है बच्चों? हाँ 2/7 × 7/9। बच्चों यही है लिखा हुआ, फाइनल लिखा हुआ? यस सर। देखिए क्या बनेगा, ये 7 से 7 कैंसिल हो रहा, दिख रहा है आप लोग को? ये कैंसिल हो जाएंगे ना बेटा, डिनोमिनेटर क्या है? अब क्या है देखो, दोनों सेम नहीं है कि दोनों डिनोमिनेटर है दोनों नंबरेटर है, दोनों अपोजिट है। ये क्या है, नंबरेटर से डिनोमिनेटर है, तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 7 × 7 टाइम। ठीक है, बचेगा क्या, 2/9। अब ये कैंसिल होता दिख रहा है किसी से? नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। ये क्या, लोएस्ट फॉर्म है, और ये मिक्स में चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। यस सर। क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाँ यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 पहले देख लेते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करना है बस, कुछ ज्यादा खास नहीं, मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। पहला देख लेते हैं 2.5
2.5 मल्टीप्लाई बाई 5 कंप्लीट 1.4 ये है। हाँ बच्चों, तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, उसमें मिक्स में चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा उसमें इम्प्रॉपर में 2.5 होगा 21.4 कैंसिल होता, कुछ दिख रहा है? यस सर। क्या क्या? 2 and 2, 2, 2 is 4। हाँ ये कैंसिल होगा 2, तो आ जाएगा 21/10। इसको क्या लिख सकते बच्चों, 2 1/10। एनी डाउट? नो सर। तो आप लोग अब इसको आगे करिएगा पूरा, ठीक है? जहां तक कर सकते करना, उसके आगे हम बताएंगे फिर से, ठीक है? अब प्रॉब्लम जो रहेगी वो डिस्कशन होगा नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, ठीक है, कुछ पूछना है अभी आप लोग को? नो सर। नो सर। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। बाय सर, बाय।